वेलकम टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन चैनल के आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट कार इंश्योरेंस। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में 20 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कार इंश्योरेंस ऑफर कर रही हैं, लेकिन अक्सर जो भी कस्टमर हैं, यानी कि आप, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली कौन सा कार इंश्योरेंस लें और किस कंपनी से लें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है जब मैंने पर्सनली खुद कार इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जाना और काफी सर्वे एनालिसिस के बाद में मैंने खुद अभी अभी अपनी कार इंश्योरेंस को रिन्यू करवाया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या चल रहे हैं, क्या चीज होती है जिसको हम डिडक्टेबल कहते हैं, क्या कैशलेस गैरेज सही में काम करते हैं, रोड साइड असिस्टेंस क्या है, जीरो डेप्रिसिएशन जो अक्सर हम लेते हैं वो बेसिकली क्या चीज कवर करता है, क्या टायर प्रोटेक्टर हमें लेना चाहिए एड ऑन कि हमें इनवॉइस प्राइस जो है वो लेना चाहिए एड ऑन। इसी प्रकार के दोस्तों बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं आज हम जिस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहूंगा कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन चैनल और ब्रेन लैग इनकॉर्पोरेशन एक न्यूट्रल अपना ओपिनियन रखता है। किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ में हमारा एसोसिएशन नहीं होता, ना हम उसे सेल करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करके ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से हेल्पफुल टिप्स हमने इस वीडियो में आप लोगों को दिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस इन इंडिया। दोस्तों, अलग अलग वेबसाइट्स या फिर वीडियोस देखकर शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ये डाल दी जाती है और बताया जाता है कि 4, 5, 6, 7 प्रकार के भी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, कार इंश्योरेंस पर्टिकुलरली। लेकिन हकीकत में दोस्तों सिर्फ 2 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस होता है, एक होता है थर्ड पार्टी और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब दोस्तों, इसके बारे में देखिए, मैंने स्क्रीन पर बहुत ही सरलता से समझाने के लिए आपको 2 शब्द लिखे हैं, थर्ड पार्टी यानी दूसरों के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी अपने लिए। अब इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, बहुत सरलता से समझेगा कि अगर आप कार लेकर रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए किसी दूसरे वाहन से, तो दोस्तों अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रखा है तो आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा आपके खुद के डैमेज या आपकी जो गाड़ी कार को डैमेज हुआ है उसका। पैसा किसको मिलेगा? जो कि थर्ड पार्टी, मतलब सामने से जो व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके आ रहा था उसको उसका क्लेम मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसी के एग्जैक्टली अपोजिट में आता है कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, जिसमें कि आपको कंप्लीट आपका जो कार डैमेज हुआ है उसका पैसा मिलेगा। इसलिए मैंने यहां पर सरलता से समझने के लिए लिखा है कि थर्ड पार्टी दूसरों के लिए है और कॉम्प्रिहेंसिव जो इंश्योरेंस है वो अपने लिए है। अब देखिए, नीचे एक हेल्पफुल टिप्स की जो बात मैं कर रहा हूं उसमें आप पाएंगे, उसमें लिखा हुआ है 5 साल। तो दोस्तों, ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि 5 साल तक बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपकी कार के लिए देती है, यानी कि संपूर्ण कवरेज आपको जो मिलता है अपने खुद के डैमेज का वो कंपनियां आपको मुहैया करवा के देती हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो गई फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अक्सर ये कहा माना जाता है और एडवाइस किया जाता है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लीजिए। वैसे एक बात जानने योग्य है कि इंडियन मोटर एक्ट के तहत ये कंपल्सरी मैंडेटरी है कि आप कार इंश्योरेंस लें, अदरवाइज आपका चालान बन सकता है। तो फिर जब लेना ही है तो अक्सर लोग गलती करके थर्ड पार्टी ले लेते हैं नई नई कार का भी, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, ये रहा थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव कवर के बीच में डिफरेंस। अगर आप देखेंगे तो आपकी ओन व्हीकल काइंड ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें तो खुद के व्हीकल को जो डैमेज होता है अगर किसी एक्सीडेंट से, उसका आपको किसी प्रकार का भी जो मुआवजा है वो थर्ड पार्टी में नहीं मिलता। यही मैं आपको पहली वाली स्लाइड में भी समझा रहा था, हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव में जरूर मिलता है। अदर व्हीकल जिसके साथ में आपकी भिड़ंत हुई है उसका जो खर्चा है वो थर्ड पार्टी जरूर देती है, मगर कॉम्प्रिहेंसिव भी देती है। मतलब यहां पे दोनों फायदे हो गए कॉम्प्रिहेंसिव लेने के कारण, आपको खुद की व्हीकल का डैमेज, अदर व्हीकल का डैमेज। और अगर आप आगे चलते रहे तो आप देखेंगे कि इंजरी टू सेल्फ, इंजरी टू द ड्राइवर ऑफ अदर व्हीकल, इंजरी टू पैसेंजर इन अदर व्हीकल, डैमेज टू ओन व्हीकल ड्यू टू फायर, डैमेज टू ओन व्हीकल ड्यू टू अटेम्प्टेड थेफ्ट, ओन व्हीकल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और डैमेज अदर्स प्रॉपर्टी, यहां तक कि बर्गलरी तक, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो इतनी सारी चीजें अगर आपको दे रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर का जो पैसा है, जो प्रीमियम आप देंगे वो ज्यादा होगा और थर्ड पार्टी रिलेटिवली चीप होगा। इनफैक्ट तकरीबन आप ये माने कि 50% कम होता है थर्ड पार्टी का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव कवर से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी और आपकी चूंकि कार जो है वो कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख की होती है, वहां पर थर्ड पार्टी लेना उतना एडवाइजेबल नहीं है 5 साल तक, राइट? 5 साल के बाद में अगेन आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो कॉम्प्रिहेंसिव छोड़ के 6वें साल से आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। हालांकि मेरा अगर आप ओपिनियन माने, चूंकि आजकल काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है और जो आपको अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव 6, 7, 8 साल आपकी कार के परचेज के बाद भी, वो भी काफी इकोनॉमिकल होते हैं, तो मेरा ये कहना है आप कॉम्प्रिहेंसिव ही लीजिए, बिकॉज ये संपूर्ण पीस ऑफ माइंड देता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझाने की कोशिश की है डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कार के माध्यम से। देखिए, जब आप कोई कार शोरूम से खरीदते हैं दोस्तों,
तो फिर उस साल, आने वाले साल और ऐसे कई साल जब बीतते जाते हैं, तो जो आपकी व्हीकल है वो डिप्रिशिएट होती है, मतलब उसका जो कॉस्ट है, उसके जो दाम है, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम होने लगते हैं। यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो दिखा रहा है कि टाइम ऑफ परचेज ऑफ कार से लेकर, जैसे 6 महीना, 6 महीने से 1 साल, 1 से 2, 3, 4, 5, तो थर्ड पार्टी में कितने प्रतिशत डिप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है, और कॉम्प्रिहेंसिव में जीरो डिप्रिसिएशन अगर आपने कवर लिया है तो उसमें क्या लगता है। अब आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव में 0% रहता है, मतलब जो उस समय कार की कीमत होगी, मान के चलिए आपकी कार 10 लाख की आपने ली और 4 साल के बाद, 5 साल के बाद इवेल्युएशन में वो कार जो है वो तकरीबन 5 लाख की आती है, तो आपको 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा, जिसको हम आईडीवी बोलते हैं। हम इसको आगे भी कवर करेंगे ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। हालांकि थर्ड पार्टी में वो डेप्रिशिएट होते चली जाती है। अब क्या अगर आपने इंश्योरेंस कार का ले लिया तो संपूर्ण पीस ऑफ माइंड जो मैं कह रहा हूं उसके तहत सब कुछ कवर्ड है? एक्चुअली नहीं। फाइनर प्रिंट्स में अगर आप जाएं दोस्तों, सो ये सारी चीजें कवर्ड नहीं होती। लॉस ऑफ डैमेज पॉलिसी जो कि नॉट इनफोर्स हो, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। अगर जो ग्रेजुअल वेयर एंड टेयर होते हैं कार और उसके पार्ट्स के, वो कवर्ड नहीं है। किसी प्रकार का भी व्हीकल अगर ऐसे कुछ लोगों के साथ चलाई जा रही है गाड़ी जो कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते और फिर अगर कुछ डैमेज हो गया तो वो कवर्ड नहीं होता। अगर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आपका जो है इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए जो पूरे रस्ते भर आप देखेंगे कि होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बैनर्स लगे रहते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो ये आपकी जान के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन आपको अगर मान लो कुछ भी ना हो लेकिन अगर कार डैमेज हो जाए और अगर ये पकड़ में आए कि आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आपने ड्रग्स ली है, तो भी आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। आप देखें कि अगर लॉस और डैमेज जो है वो इंजन ऑयल लीकेज के कारण अगर होता है तो भी आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। और अगर किसी प्रकार का यू नो आपका जो कार मैन्युफैक्चर की गाइडलाइंस है आप उसके तहत नहीं चलाते, आप बहुत वाहियात किस्म से चला रहे हैं, ठीक से उसका प्रॉपर यू नो आप देख रेख नहीं कर रहे हैं, और फिर अगर किसी प्रकार का उस कारण से नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई इंश्योरेंस क्लेम नहीं करता, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। दोस्तों जब बात आती है एड ऑन कवर्स की तो अक्सर बहुत से कस्टमर्स कंफ्यूज रहते हैं, और इसी कंफ्यूजन में हमने ये देखा है कि लोग या तो गलत कवर्स ले लेते हैं और उसके बाद में कभी जब क्लेम आता है और उन लोगों को कम पैसे मिलते हैं तो वो फिर कंपनी को या उस एजेंट को या अपने नॉलेज को कोसने लगते हैं। दरअसल दोस्तों एड ऑन कवर्स एक बहुत अच्छा जरिया है जो कस्टमर्स को फैसिलिटेट करता है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे कंपनसेशन में मिल जाए, इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि आप एड ऑन कवर्स समझें और पर्टिकुलरली आप अपने कवर्स वो लें जो आपको फायदेमंद साबित हों। वैसे मार्केट में अगर आप कभी किसी पोर्टल को खोलते हैं या फिर एजेंट से बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम ज्यादातर शायद ही 2-3 ऐसे होंगे जो हमने एड ऑन कवर्स छोड़ दिए होंगे। वैसे हमने अपने रिसर्च से ये पाया कि ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैक्सिमम कवर करने वाले एड ऑन कवर्स होते हैं और यही उनके पोर्टल पे भी मेंशन होता है। लेकिन क्या है कि हम समय होता नहीं, हम क्लिक कर लेते हैं अननेसेसरी, या तो ज्यादा पैसा कमा देते हैं या तो फिर अननेसेसरी हम पैसा देते रहते हैं लेकिन जो लेना चाहिए था कवर वो नहीं ले पाते। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन कवर, देखिए आपकी कार एक डेप्रिसिएशन अट्रैक्ट करती है साल दर साल, ये हमने ऑलरेडी जो है बात कर ली। जब आप किसी क्लेम कार को आप कभी क्लेम करने के लिए जाते हैं, वर्कशॉप में देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आके सर्वेयर आती है देखती है और जब ये तय होता है कि हाँ भाई इसको हम क्लेम देंगे तो वो क्लेम में दोस्तों एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन जो है एप्लीकेबल होता है आपके कार और उसके पार्ट्स पे। और इससे बचने के लिए, इस डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, पैसा कीमत कम होना, उससे बचने के लिए आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर ले सकते हैं। सो दैट जैसे एवरेज में सारी की सारी कंपनियां ये कहती हैं कि अगर साल में आप 2 बार भी क्लेम सेटल करने आते हैं उनके पास में तो वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। सो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका जो टोटल क्लेम अमाउंट है वो बढ़ जाता है। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो 3 या 4 या फिर अनलिमिटेड डेप्रिसिएशन भी देती हैं, यानी कि आप कितने बार भी उनके पास में आए वो डेप्रिसिएशन फैक्टर हटा के आपका क्लेम सेटल करेंगे। सो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कवर, दैट इज जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इंजन प्रोटेक्ट कवर, किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के कारण आपके इंजन को अगर डैमेज होता है तो आपको उसका जो है पैसे मिलते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस कवर RTI, दोस्तों ये एक पर्टिकुलर कवर है जो कि टोटल लॉस ऑफ कार, किसी कारण से अगर कंप्लीट कार का नुकसान होता है और वो कंस्ट्रक्शन टोटल लॉस जैसे CTL भी कहते हैं, या फिर जैसे कि थेफ्ट चोरी हो गई उसमें तो संपूर्ण लॉस हो गया कार का, राइट। तो अगर किसी ऐसे हादसे में जिसमें कंप्लीट जो है लॉस हुआ है कार का, उस केस में रिटर्न टू इनवॉइस कवर, जितना आपका इनवॉइस का प्राइस मेंशन था उतना पूरा पैसा आपको वापस मिलता है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो चीज आपकी किसी हादसे में किसी ऐसे इंसिडेंट में डैमेज हुई हो, लॉस हो गई हो पर्सनल बिलोंगिंग्स, उसका कंपनसेशन मिलता है। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट कवर, ये एक बहुत जरूरी कवर है दोस्तों। देखिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की एक पॉलिसी लेते हैं, आज से शुरू होकर 1 साल तक चलेगी और उसके बाद में आप फिर रिन्यू करेंगे। अब इस प्रोसेस में 2 चीजें हो सकती हैं। एक, आपने अपनी पॉलिसी ली और पूरे साल बहुत अच्छे से आपने चलाया गाड़ी
और किसी प्रकार का कोई क्लेम, कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी वो ट्रैक रिकॉर्ड देखती है कि भाई जब क्लेम नहीं आया, लेट अस गिव अ डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट ईयर प्रीमियम। तो ये आपको नो क्लेम बोनस के रूप में मिलता है जब आप बहुत अच्छे से कार चलाते हैं, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ तब। लेकिन अगर किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली आप इस साल में क्लेम करते हैं, तो 100 रुपए की आपकी पॉलिसी थी और आपका क्लेम आ गया, तो जाहिर सी बात है अगले साल जो आपको 20-30% का बेनिफिट था नो क्लेम बोनस का, वो आपको नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों इसको तोड़ने के लिए ये एड ऑन कवर लेना काफी अकलमंदी होती है, क्योंकि नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट कवर में अगर आप एक साल में एक या दो बार क्लेम भी कर लेते हैं, मान के चलिए आपने 100 रुपए की पॉलिसी ली और एक या दो बार आपने इसी साल क्लेम भी कर लिया अनफॉर्चुनेटली, तो भी आने वाले साल में आपको 20-30% डिस्काउंटेड प्रीमियम मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर 15 लाख, दोस्तों ये एक और आपको एड ऑन मिलता है, आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। एडवाइजेबल ये है कि आप लेके रख लें, क्योंकि ये हार्डली 400 या 500 रुपए मैक्सिमम तक में आता है एक साल के प्रीमियम के साथ। की रिप्लेसमेंट कवर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर किसी प्रकार का चाबी का नुकसान होता है, लॉस होता है, आपको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये खासतौर पर जरूरी उन ब्रांड्स, उन कार के लिए है जिनकी चाबियां काफी महंगी आती हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर चिप और अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं। रोड साइड असिस्टेंट कवर, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका नॉलेज नहीं है और लोगों को लगता है कि अरे ये रोड साइड असिस्टेंस क्या काम में आएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये एक एड ऑन है जो कि आपको काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कभी आप रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपको ब्रेकडाउन का सामना करना पड़े और आपकी व्हीकल इमोबाइल हो जाए, चल नहीं सकती, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी प्रकार की चीजें, तो जो नंबर दिया रहता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो कस्टमर केयर का नंबर है, जब आप उसको कॉल करते हैं तो आपको वो रोड साइड असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। बेसिकली इसके अंदर आपकी जो व्हीकल है उसको टो किया जाएगा नियरेस्ट गैरेज तक, आपको ऑन साइट अगर रिपेयर की सर्विस लग रही है वो हो जाएगा, आपको आपकी चाबियां गुम हो गई कभी किसी हादसे में तो उसके ऊपर असिस्टेंस दिया जाएगा, और जैसे आपका फ्लैट टायर हो गया या कभी कभी फ्यूल डिलीवरी भी रोड साइड असिस्टेंस में कवर होती है। मान के चलिए आप ऐसी जगह पे हो जहां दूर दूर तक फ्यूल पंप नहीं है, आपकी कार जो है वो डैमेज हो चुकी है या फिर फ्यूल खत्म हो चुका है किसी कारण से, तो ये सर्विस भी मुहैया करवाई जाती है। इसमें हम आपको आने वाले स्लाइड में यूजफुल टिप भी देंगे। कंज्यूमेबल्स कवर, तो ये कवर दोस्तों तब काम में आता है जबकि आप अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी कभी पढ़ें कि उसके अंदर क्या चीज कवर होती है और क्या चीज नहीं कवर होती है, तब आप पाएंगे कि कंज्यूमेबल एडॉन्स क्यों फायदेमंद है। देखिए इसके अंदर पे दोस्तों जैसे कि ग्रीस है, एयर कंडीशनर गैस है, ल्यूब्रिकेंट क्लिप्स है, बियरिंग्स है, फ्यूल फिल्टर है, इंजन ऑयल है, छोटी छोटी चीजें, ऑयल फिल्टर कैप हो गई आपकी, ब्रेक ऑयल हो गया, नट एंड बोल्ट हो गया, स्क्रू वॉशर्स, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो कि कवर नहीं होती स्टैंडर्ड पॉलिसी में, वो कंज्यूमेबल्स में कवर हो जाती है एडॉन लेने पर। डेली अलाउंस कवर, जैसे कि अगर कभी कोई हादसा पेश आया तो ये आपको एक डेली अलाउंस देता है, सो दैट आपकी जब तक कार जो है वो रिपेयर हो रही है उस समय तक आप एक दूसरी कार का अरेंजमेंट कर पाए। टायर कवर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर बर्स्ट होता है, फ्लैट होता है, टायर खराब हो जाता है तो उसे कंपनसेशन जो है कंपनी देती है। वॉलंटरी डिडक्टेबल कवर, ये थोड़ा समझना जरूरी है दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ले लेते हैं फिर उसके बाद में उनको समझ में आता है, कुछ लोग नहीं लेते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। देखिए वॉलंटरी डिडक्टेबल जो कवर है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई क्लेम आएगा तो मैं, जिसने इंश्योरेंस लिया है, मतलब कि आप अपनी ओर से उस क्लेम में कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि 2500, 4000, 5000, 6000, इस प्रकार के ऑप्शंस भी आते हैं आपको जब आप क्लिक करते हैं, खरीदने जाते हैं। दोस्तों ये लेने के कारण एक बात जरूर होती है कि ड्रास्टिकली आपका प्रीमियम कम हो जाता है, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का जो क्लेम पैसे देने हैं आपको उसमें आप खुद सहभागी हो रहे हैं और अपनी ओर से बोल रहे हैं वॉलंटरली कि मैं भी अपनी ओर से पैसे दूंगा, तो प्रीमियम जरूर कम हो जाता है, मगर ये लेना नहीं चाहिए दोस्तों। जी हाँ, ये आपको एक हेल्पफुल टिप हम आपको देना चाहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक वॉलंटरी डिडक्टेबल कवर। आप चाहें तो अलग अलग वेबसाइट्स में इसके बारे में स्टडी करके देख सकते हैं और आप खुद कंक्लूड करेंगे कि हाँ, सब ने एडवाइस किया है कि वॉलंटरी डिडक्टेबल कवर लेना नहीं चाहिए, भले प्रीमियम कम हो, लेकिन क्यों आप अपनी ओर से पहले से ही 2500, 3000 या 5000 कमिट कर रहे हो कि भाई मैं वो क्लेम में दूंगा, क्योंकि जब आप खुद ही क्लेम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी जेब से प्रीमियम के अलावा और क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। विंडशील्ड ग्लास कवर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको आपकी विंडशील्ड जो ग्लास है वो रिप्लेस होकर मिल जाएगी। स्पेयर कार क्लॉज, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेली अलाउंस कवर का था, सिर्फ इतना है कि वहां अलाउंस मिलता है और यहाँ पे स्पेयर कार मिलती है जब तक आपकी कार या गाड़ी बन रही हो। एक्सीडेंट कवर फॉर द पैसेंजर्स, ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इसमें आपके साथ ट्रेवल कर रहे लोगों को भी कंपनसेशन मिलेगा किसी एक्सीडेंट के बाद। हो गया ना आप भी कंफ्यूज? जी हाँ, देखिए दोस्तों, इतने सारे एड ऑन कवर्स होने के कारण अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि फिर कौन सा लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए। यूजफुल इन्फॉर्मेशन चैनल का ये एक मोटिव होता है, ये हमारा एक मकसद है कि हम आपको वो वैलिड इन्फॉर्मेशन ला के दें जो आपको फायदेमंद हो। और इसी के चलते दोस्तों, काफी सारे लोगों के साथ बात करने के बाद और पर्सनली मेरे खुद के एक्सपीरियंस, जो मैं 4 या 5 साल से अपनी कार इंश्योरेंस को लेकर चले जा रहा हूँ, रिन्यू कराता हूँ, तो जब भी मैं उनसे बात करता, इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे जो मालूम पड़ा है वो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाहूंगा। ये आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगी और वो है ये। So, दोस्तों जब भी आपको लेना हो, आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर, उसमें से भी बम्पर टू बम्पर
ये अपनी नई कार के लिए जो कि 3 या 4 या 5 साल तक पुरानी है, इवन 6 साल तक पुरानी है, आप इसको जरूर लें, क्योंकि कभी भी क्लेम आने पर, डैमेज होने पे, एक्सीडेंट होने पे आपको काफी फायदा होता है। दूसरा है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये जरूर लेके रखना चाहिए, भले आपके पास में अलग से इंश्योरेंस हो या ना हो, हालांकि आपकी मर्जी है, बिकॉज इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, लेकिन हम अपनी ओर से आपको ये सलाह देते हैं कि आप जरूर लेके रखें, बहुत नॉमिनल फीस पे आता है। रोड साइड असिस्टेंस कवर दोनों जरूरी है, आपको लेके रखना चाहिए, क्योंकि रात बिरात कभी किसी प्रकार का अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर पे कि आपको मदद की जरूरत है, तो उस समय पता नहीं पेट्रोलिंग व्हीकल वहां पे पुलिस की हो ना हो, किस प्रकार के हालात हो, तो रोड साइड असिस्टेंस कवर वहां पे मदद करता है। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी रात को 1 या 2 बजे अगर आपकी व्हीकल डैमेज हो जाती है, इमोबाइल हो जाती है, आप उसको हिला नहीं पा रहे, शुरू नहीं हो पा रही, और आप अगर रोड साइड असिस्टेंस कवर लें, तो बहुत ज्यादा चांसेस ब्राइट है कि जब सुबह हो, जितने अर्ली से अर्ली वो कहते हैं, लेकिन तकरीबन जब सुबह हो और जो उनकी वर्किंग आवर्स शुरू हो, तब वहां पे टोइंग व्हीकल आए। तो ये एक क्लॉज आप जब लेते हैं, तो आपकी कंपनी से, आपके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से या आपके एजेंट से आप इस चीज का क्लैरिफिकेशन जरूर कर लें। 24/7 रोड असिस्टेंस जब वहां लिखा रहता है, उसका मतलब है असिस्टेंस, मतलब आप उस नंबर के ऊपर जब कॉल करेंगे तो आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा, आपको सर्विस दिलवाने का वादा किया जाएगा, और वो देंगे भी। लेकिन अगर वो रात के समय में है 2 या 3 बजे, तो काफी चांसेस कम हो जाते हैं कि इमीडिएटली अगर आप बोलो कि आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर एक व्हीकल आ जाए, वैसा नॉर्मली नहीं होता, मगर फिर भी लेना अकलमंदी है। कंज्यूमेबल्स कवर, ये दोस्तों एडवांस में आखिरी है जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड पॉलिसी में जैसे मैंने बताया, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जो कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और डैमेज हो, तो वो भी हजारों में कीमत आ जाती है, सारी छोटी मोटी चीजों को मिला के, वो भी कंज्यूमेबल्स कवर में इंक्लूड हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी ओर से आपको 4 कवर्स बोल रहे हैं। शायद आपके मन में ये आए कि अरे भाई डेली अलाउंस कवर क्यों नहीं बोला गया, स्पेयर कार तो बड़ा जरूरी है, होना चाहिए, कंप्लीटली आपके ऊपर है। हमने आपको बताया बेसिक 4 कौन से हैं जो आपको जरूर रखने चाहिए, उसमें से भी 0 depreciation बंपर टू बंपर, रोड साइड असिस्टेंस और कंज्यूमेबल्स कवर, ये 3 तो आप बिल्कुल रखें, ऐसा हमारी सलाह है। टायर कवर दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो कहते हैं अरे यार मेरा टायर है तो मैं क्यों ना ले लूं। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी समय मिले और अगर आप पॉलिसी को पढ़ें, स्टैंडर्ड न्यूट्रल पॉलिसी जो नॉर्मल बिना किसी एड ऑन के, तो आप ये पाओगे कि ऑटोमेटिकली जब आप 0 depreciation लेते हो या आप पॉलिसी लेते हो कार इंश्योरेंस की, तो उसमें 50% जो आपका टायर है उसका कंपनसेशन इंक्लूडेड रहता है, और अगर आप टायर कवर अलग से भी लेते हो तो भी उसके अंदर 50% इंक्लूड रहता है ना, और इसीलिए हमने अलग से टायर कवर लेने की आपको सुझाव नहीं दिया है। सो ये रहे कुछ हेल्पफुल टिप्स एड ऑन कवर्स के ऊपर। आशा है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन आप तक मिली है दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं ये वीडियोस बनाने और आप तक लाने में। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ हेल्पफुल टिप्स हम एडिशनल प्रोवाइड करके दे रहे हैं आपको, सो दैट कभी अगर कोई टर्मिनोलॉजी नई आए तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं IDV, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो अक्सर यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब ये क्या है, तो दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली किसी भी कार पॉलिसी को जब आप रिन्यू करते हैं तो ये उसका सम इंश्योर्ड हो जाता है, कहने का मतलब अगर आपकी कार भले 10 लाख की हो फॉर एग्जांपल, लेकिन चूंकि आपको 2-3 साल हो चुके हैं कार को लेकर या 4-5 साल हो चुके हैं, उस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस कार की कीमत 5.5 लाख या 4.5 लाख या 6 लाख के आसपास कुछ रहेगी, वो होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। और दोस्तों 2 बातें हैं इसमें, IDV आप खुद भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि कभी भी आप किसी पोर्टल में जाएं या एजेंट को बोलें तो वो कैलकुलेट करके आपको बताता है, या फिर पॉलिसी बाजार हो गया या फिर इंश्योरेंस देखो हो गया, जब आप जाते हैं आप सारी डिटेल्स अपनी कार की एंटर करते हैं, क्या आपका नंबर है, आपका आपका नाम, आपका नंबर और ये सब चीजें, मैं कार नंबर की बात कर रहा हूँ, आपका कार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये सब जब आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर वहां पर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि आपकी कार की मेक क्या है, कब आपने खरीदी, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, क्या हुआ, और उसी के अकॉर्डिंगली उनको मतलब जो पोर्टल है उसमें जो इंटेलिजेंस लगाई गई है उसमें ये समझ में आ जाता है कि भाई ये कार जो है ये 5 साल पुरानी या 6 साल है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको IDV वैल्यू देता है, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। सो एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपकी 10 लाख की कार है और IDV वहां पर आपको 3.5 लाख रुपए दिखाई दे रही है, सो दोस्तों आप और आपकी कार को मान के चलिए 4 साल हो चुके हैं खरीद के, तो वहां पर वो 3.5 लाख रुपए आप बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट उसने थोड़ा सेफ साइड होकर कम लिया है, आप उसको बढ़ा के 4, 4.5 लाख इवन 5 लाख तक भी ले जा सकते हैं। मगर गौर कीजिएगा, IDV इतना मत इंक्रीज कर लीजिए कि आपके पिछले साल की जो वैल्यू थी कार की, जो वैल्यूएशन थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की कार आपने खरीदी 3 साल पहले, ये आपका 4th साल है, आप कार रिन्यू करने जा रहे हैं, और आपकी जो पिछले साल कार की कीमत जो ऑन पेपर दिखाई गई थी, अगेन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से और उसके डिप्रिसिएशन सब कुछ के हिसाब से, IDV पिछले साल की पॉलिसी में 6,30,000 थी फॉर एग्जांपल, इस बार आप 6,30,000 नहीं रख सकते दोस्तों, और अगर आप रख भी देंगे और अगर वो ले भी लेगा सिस्टम में आपकी पॉलिसी बन आएगी, आपको क्लेम के टाइम पे तकलीफ होगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप पिछले साल की IDV के 10% कम कर इस नए साल की आप IDV लगा के रखिएगा उस पर।
और एक चीज होती है दोस्तों, जो कि टायर कवर जो एड ऑन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर वो आप लेना भी चाहते हैं तो प्लीज आप अपने कार टायर रिम डायमेंशन के बारे में जरूर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या फिर आपके एजेंट से बात कीजिएगा और उसको बताइएगा कि मेरा 3-4 mm या 3-5 mm में आता है या उससे ज्यादा में आता है। नॉर्मली जो मर्सिडीज होती है, ऑडी होती है, जैगवर होती है, जो टॉप एंड कारें होती हैं, महंगी कारें, इसके अंदर पे टायर कवर में कहीं कहीं हमने ये देखा है कि अच्छा खासा कंपनसेशन भी मिलता है जो 50% से ज्यादा हो, लेकिन वो रिम डायमेंशन पे डिपेंडेंट होता है। रोड साइड असिस्टेंस 24/7 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पूरे सारे क्लॉजेस उनसे पूछ के आप खरीदिएगा कि भाई इसमें क्या क्या कवर है, क्या मेरा फ्लैट टायर हो जाए तो मैं यूज कर सकता हूं, क्या मेरा फ्यूल खत्म हो जाए तो यूज कर सकता हूं, ये कौन कौन सी सिचुएशन में काम करेगा। सेकेंडली, मेरे फोन करने पर अगर रात को 12-1 बजे मेरी कभी एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए कार, आप कब तक आपकी व्हीकल आएगी, क्या अगले दिन सुबह आएगी या उसी समय आ जाएगी, ये सारी चीजें आप जरूर अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। क्लेम सेटलमेंट, दोस्तों देखिए क्लेम सेटलमेंट में ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कार एक्सीडेंट्स होते हैं, डैमेजेस होती हैं, तो सारा हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो आपको क्लैरिफिकेशन जरूर लेके रख के एक उसका प्रिंटआउट लेके अपने कार में रखें या कम से कम अपने मोबाइल में सेव करके रखें एक हैंडी जगह पे, या फिर मेल आप अपने आपको करके रखें ईमेल कि क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे इमीडिएटली किसी क्लेम सेटलमेंट में लगते हैं। और ये बहुत इजीली अवेलेबल पोर्टल्स पे होता है, आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं आप उनको भी ईमेल करके मंगवा सकते हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों 5 से 6 जो आपको रेडीली अवेलेबल करके रखने चाहिए। कहने का मतलब जितनी ओर से आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो जरूर एक कॉपी रखनी चाहिए, ऑफकोर्स उसके बाद में पुलिस FIR और ये सब चीजें लगती हैं वो तो आपको फ्रेश सबमिट करनी पड़ेगी। डिसीजन अकॉर्डिंग टू रीजन, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है दोस्तों जो एड ऑन UIC ने हमने आपको प्रपोज किए उसके अलावा अगर आपको लगता है, मसलन रिटर्न टू इनवॉइस कवर जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कार हो जाती है, ऐसे कोई एरिया में अगर आप रहते हैं जहां पे कि नेचुरल कैलमिटी होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, आपकी कार के चोरियां बहुत होती है वहां पर और फिर एक बार चोरी होगी तो गायब हो जाती है, मालूम नहीं पड़ती कहां गई, अगर ऐसे रीजन में आप रहते हैं तो प्लीज आप अपनी स्मार्टनेस लगाइए, अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कौन कौन से एडऑन्स और लेने चाहिए। तो दोस्तों ये हेल्पफुल टिप्स और हमने इंक्लूड कर ली अपने वीडियो में, आशा है ये आपको मदद करेंगी। सो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी कर ली, अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है किस कार इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जाके हम अपना इंश्योरेंस खरीदें। सो देखिए दोस्तों कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, इसके अंदर हम आपको हेल्पफुल टिप्स भी देंगे। वो पैरामीटर्स हैं कस्टमर सर्विस, किसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, ये आप 2-3 फोन लगाते हैं तुरंत समझ में आती है कौन कितना ईगर है, विलिंग है, किस प्रकार से आपको सपोर्ट दे रहा है, कितनी तीव्रता से, कितने फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटीज कैसी है, कैशलेस गैरेज कितने हैं उनके। देखिए अगर आपने एक अच्छी महंगी सी पॉलिसी ले ली दोस्तों और आपके शहर में मान लो एक ही गैरेज है जिसके साथ में कैशलेस फैसिलिटी है तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर दूर ब्रेकडाउन पड़ी है और आपको वहां से लेके एक ही गैरेज में अगर जाना है या फिर आप किसी दूसरे शहर में हो या फिर अपने शहर के आउटस्कर्ट्स में हो तब बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों, तुरंत उतना पैसा आपको जेब में रखना पड़ेगा उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। सो कैशलेस गैरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हिच इज द बेटर इंश्योरेंस कंपनी फॉर यू। क्लेम सेटलमेंट रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने क्लेम्स उस कंपनी के पास में आए और वो सेटल हुए हैं एक स्टिपुलेटेड पीरियड में। नॉर्मली IRDA जो एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां से प्रकाशित होते हैं सारे डिटेल्स, आने वाले स्लाइड्स में हमने आपको वो भी दिखाई है ताकि आप अपना एक डिसीजन ले पाएं। वैल्यू एडिड सर्विसेज, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो एडिशनल, 4 कंपनीज है दोस्तों आप देखिएगा, अगर प्रीमियम तकरीबन सेम भी हो लेकिन कुछ कुछ ऐसे वैल्यू एडिड सर्विसेज एडिशनल वो प्रोवाइड करती हैं कि आपका मन 5वें कंपनी के लिए बन जाता है, उन 4 कंपनी को आप छोड़ देते हैं। डिस्काउंट्स, यस व्हाई नॉट, वी आर इंडियंस एंड वी आर क्रेजी अबाउट डिस्काउंट्स, जहां भी 4 पैसे बच रहे हो हम वो वाला काम करते हैं। और दोस्तों डिस्काउंट्स काफी हैवी चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स में, मैं आपको बता देना चाहूंगा, खुद मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे को 7 से 8 हजार रुपए का डिस्काउंट सेम वही कार की IDV पे मिल रहे थे अलग अलग कंपनीज के। और इन सब तमाम चीजों के अलावा जो सबसे खास बात होती है दोस्तों वो है पास्ट एक्सपीरियंस, जी हाँ, या तो आपका खुद का या आपके नजदीकी दोस्तों रिश्तेदारों का, कौन सी कंपनी कैसी है उसकी धारणा बनाने में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपका एक्सपीरियंस, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा और इन तमाम चीजों को मिला के आप फाइनल अपनी कंपनी चूज करिएगा। और आपके डिसीजन को फैसिलिटेट करने के लिए हम आपको यहां पर टॉप कार इंश्योरेंस कंपनीज जो कि क्लेम रेशियो के ऊपर आधारित है लेटेस्ट, ये हमने डेटा लिया है दोस्तों कवरफॉक्स से और ये 27 फरवरी 2021 का जो गैरेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड में वो अपडेटेड लिस्ट है। आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखिए, बैलेंस करके देखिए कि किसका क्लेम सेटलमेंट भी अच्छा है और जिसके साथ में कैशलेस गैरेजेस का नेटवर्क ज्यादा अच्छा है, आप अगर वो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं या फिर जिस प्रकार से आपका डिसीजन हो। यहाँ पे हम आपको किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस या फिर डोप नहीं करना चाहेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने है, आप अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को चूज कर सकते हैं। अब साहब जब इंफॉर्मेशन भी मिल गई और आपको कंपनी भी पता है कि कहां से आपको लेना है, डिसीजन ले चुके हैं, तो अब सवाल आता है किस प्रकार से हम आगे बढ़े, वेयर टू बाय। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर मैंने बताया है कि या तो शोरूम जहां पे आप नई कार परचेज करते हैं, 99% आदमी वहीं से लेता है, हालांकि अगर आप स्मार्ट हैं और आपको पता है किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन और ये डीलिंग होती है आप अलग से भी ले सकते हैं। और जब पॉलिसी रिन्यूअल की बारी आए तो पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स, इंश्योरेंस देखो, GIBL.in, बैंक बाजार.com,
ये सारे पोर्टल्स हैं जो काफी अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट कंपनी एजेंट से भी आप डील कर सकते हैं दोस्तों, और लास्टली आप खुद कंपनी वेबसाइट में जाकर भी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू या खरीद सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन चैनल का आज का ये वीडियो कार इंश्योरेंस के ऊपर? देखिए, अगर आपको रियली पसंद आया है या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने नए सीखे या जाने और समझे हैं दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए और जरूर लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा हमें मदद मिलती है इससे। इट gives huge motivation to me and my team to make more and more videos. Also, आप comments में बताइए कि और क्या बात आप additional जानना चाहते हैं, so that हम उसके ऊपर video बनाएं। और दोस्तों, जाने के पहले एक छोटी सी चीज, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो Domino's Pizza के शौकीन हैं, तो हमारा एक shocking facts about Domino's Pizza का video जरूर देखिए।